करते हैं। आज इसी टॉपिक को हम आगे करते हैं, प्रॉपर रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में पढ़े अपन, इसके टाइप्स पढ़े, इसकी बेसिक आइडियोलॉजी और फीचर्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यस बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ टू एग्जिस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। दिस इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स give rise similar offspring to itself। इसका मतलब ये हुआ कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स खुद तैयार करते हैं, और ये इसलिए होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी लाइफ की कंटिन्यूटी बने। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट इन दिस एनवायरमेंट इन दिस बायोस्फीयर। यहां पर एक स्टार पॉइंट लगा दें अपन कि रिप्रोडक्शन पैरेंटल बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस है जिससे फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बहुत हाई क्लास की डेफिनेशन बता दी। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, ये कंडीशन दे दिया पढ़ने कि रिप्रोडक्शन होने के लिए फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जनरेट होना जरूरी है, और वो आगे भी इसी प्रोसेस रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा। अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन इनडेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो अपन ने 11th क्लास के अंदर 11th बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। ये मैंने एक स्टार पॉइंट आपको बताया। वन और टू पैरेंटल सेल न्यू ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम बेसिक फीचर्स के अंदर लें अपन, रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या है। बेसिक फीचर्स के अंदर पहला आएगा डीएनए कॉपिंग। ये सही भी है कि प्रीवियस सेल नई सेल बनाने के लिए डीएनए कॉपी करेगी, और उसी तरह से न्यू ऑफस्प्रिंग सेल्स बनेगी, डॉटर सेल्स बनेगी, और डॉटर सेल से पूरी लिविंग बॉडी का जनरेशन होगा। दूसरे बात करें इसके रिप्रोडक्शन होने के लिए बेसिक फीचर्स हैं सेल डिवीजन। थर्ड नंबर है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये थर्ड एस्पेक्ट हो गया बेसिक फीचर्स का। और फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स जनरली सिंपल टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट और टाइप्स पे डिपेंड करता है कि वो धीरे धीरे डेवलप होता जाए सिंपल से, और कॉम्प्लेक्स और डेवलप टाइप का, मोर एंड मोर डेवलप टाइप का होता है। तो ये सब बेसिक फीचर्स के अंदर आते हैं। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट टॉपिक टू कंप्लीट दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देर आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेजरली हम दो अलग अलग टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल, सेकेंड इज सेक्सुअल। देखिए, इससे पहले 10th क्लास के अंदर आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े, इसलिए हमें उस टॉपिक्स को कवर करते हुए लेना है, ये बात तो सही है। बट अब 12th का स्टैंडर्ड हो चुका है, आगे के बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने से पहले ये एलिमेंट्री नॉलेज हमें रिप्रोडक्शन के बारे में लेना होगा। बहुत सी चीजें यहां पर वापस रिस्ट्रैक्ट होंगी, स्ट्राइक होगी वापस से, तो एक तरह से हमारा एक रिविजन भी है। फर्स्ट हम बात करें यहां पर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली सिंगल पैरेंट, यहां पर ये कैसा होता है, टू पैरेंट।
यहां पर दो पेरेंट्स होते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जोड़ दें कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. इन्वॉल्व, ठीक है. यहां पर एक स्टार पॉइंट है कि ये हम मानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा आ गया, यूनिपेरेंटल हो गया. यूनिपेरेंटल है, एक ही अमीबा नया बॉडी जनरेट कर रहा है, ठीक है. बट यहां पर यदि मैं बात करूं दो पेरेंट्स की, बट यहां पर एक स्टार पॉइंट यह है कि अर्थवर्म एक ही पेरेंट है और नया अर्थवर्म बनाएगा तो वहां दो पेरेंट्स तो नहीं है, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अर्थवर्म यहां पर क्या है, बाई सेक्सुअल, ठीक है. तो यहां पर टू पेरेंट्स है, राइट. बट टू पेरेंट्स नहीं होने की पोजिशन में एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है जो मेल गैमेट बना रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है जो फीमेल गैमेट बना रहा है और बाद में आगे का प्रोसीजर कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर वो एक पेरेंट होते हुए भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा. क्यों? क्योंकि वहां पर दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट, इसके डिफरेंस पे चलते हैं अपन. मियोसिस इस दौरान होता है, मियोसिस इस दौरान नहीं होता है, एब्सेंट मान लो, एब्सेंट हम एब्सेंट लिखेंगे. और यहां पर मियोसिस प्रेजेंट. नेक्स्ट करें अपन बात, नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां गैमेट नहीं बनेंगे और यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा भैया. नो क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन एक्सचेंज नहीं होता है, यहां क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी जीन एक्सचेंज होगा. सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस है जिसमें पैरेंटल होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में जीन का एक्सचेंज होता है और उसी जीन के एक्सचेंज होने की वजह से वेरिएशंस आती हैं और ये वेरिएशंस उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मोर एग्जिस्टेंसेबल चांसेस क्रिएट करती हैं जिससे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पूरा होता है, ठीक है. तो यहां पर हम ये चीज लिखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होने की वजह से यहां पर वेरिएशंस नहीं आएंगी, जबकि यहां पर सेक्सुअल वेरिएशंस आएंगी क्योंकि सेक्सुअल वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर से डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब भैया सीधी सी यहां पर एक जनरल चीज है कि सिंगल पेरेंट है, यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है या दो पेरेंट इन्वॉल्व है, या मियोसिस सेल डिविजन हो रहा है, यहां पर मियोसिस सेल डिविजन नहीं हो रहा है, यहां पर मियोसिस हो रहा है. तो यहां पर मियोसिस एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर कौन सा डिवीजन है, यहां पर माइटोसिस, जबकि यहां पर मियोसिस तो प्रेजेंट है बट साथ में यहां पर माइटोसिस भी होगा, यानी कि ये कह सकते हैं यहां पर यहां माइटोसिस ही है जबकि यहां पर माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ प्रेजेंट, ठीक है. अब हम बात करें राइट, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होती है और इस एस्पेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस एस्पेक्ट इस टाइप को हम लिख सकते हैं यहां पर क्लोन्स, ये क्लोन होगी. जबकि यहां भैया वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशंस आएंगी तो ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे, ये डिफर होंगे, ये वेरिएशंस होंगी. ये जेनेटिकल वेरिएशंस ही मेनली जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती चली जाएगी. यस, कंटिन्यू करते हैं. इवोल्यूशन के हिसाब से ये प्रिमिटिव टाइप का है और इवोल्यूशन के हिसाब से ये एडवांस टाइप का है. क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस आने से, जेनेटिकल वेरिएशंस आने से स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, जबकि ये प्रिमिटिव टाइप का है. इसके अंदर मेनली एस्पेक्ट क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट करने वाला लिविंग बॉडी है उसका मेन मोटो है रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन. उसको किसी भी तरह की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वेरिएशन जनरेट करने का एस्पेक्ट नहीं है, एग्जिस्टेंस वाली चीज यहां पर नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं चाहता है, इसलिए प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है. इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
नो फर्टिलाइजेशन, इसमें भी यार फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मीन्स अपोजिट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में है वो फ्यूजन होगा, जिसे हम सिंगेमी से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो भैया जायगोट भी बनना चाहिए, यहां जायगोट नहीं बनेगा, जबकि यहां जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। लेट्स टू द कंटिन्यू नेक्स्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें, सबसे पहला आता है फ्यूजन। फ्यूजन बेसिकली क्या है, किसी भी लिविंग बॉडी पेरेंटल सेल का इक्वल दो या दो से ज्यादा टाइप की ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जनरेट होने का इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। इक्वल दो और दो से ज्यादा, इस हिसाब से सबसे पहले बात करें यहां पर मोटा मोटा क्या है। बेसिकली बाइनरी फ्यूजन है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, यहां पर एयर भरपूर होनी चाहिए, वाटर भरपूर हो और फूड भरपूर हो। अबंडेंस ऑफ एयर वाटर एंड फूड इन एटमोस्फेयर, सो फ्री टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन दे प्रिफेर फॉर द फ्यूजन फॉर बाय बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका अमोइबा, एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल अमोइबा हो। मल्टीपल फ्यूजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यह होता है बेसिकली उस कंडीशन के अंदर जब पैरासाइटिक कंडीशन होती हैं, पैरासाइट जनरली इस तरह को प्रेफर करते हैं, उसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं एंट अमीबा स्टोलाइटिका, ये पैरासाइट। बाइनरी फ्यूजन सबसे पहले लेते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ पैरेंटल सेल इनटू इक्वल टू हॉल्स, मल्टीप्लिकेशन माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सेल डिवीजन हो रहा है, इक्वल दो न्यूक्लियाई बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, सेल के साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, वो एक पैरेंटल सेल इक्वल दो डिवाइडेड डिवाइड होकर के दो इक्वल सेल्स के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर बन जाती है। यदि हम प्लेन की बात करें, कहां से कट लगना चालू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, प्लेन के अकॉर्डिंग यहां पर तीन टाइप का हो गया, इरेगुलर, ट्रांसवर्स एंड ए लॉन्गिट्यूडनल, दीज आर द डिफरेंट थ्री प्लेन्स। इरेगुलर कहीं से भी, ट्रांसफर ट्रांसफरली, लॉन्गिट्यूडनल आगे से पीछे की तरफ, तो इस तरह से होने वाले इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग, प्लेन्स के अकॉर्डिंग फ्यूजन यानी बाइनरी फ्यूजन के ये तीन टाइप हो गए। यस, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में किसी भी तरफ से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एनिमल नहीं है, सिमेट्रिकल एनिमल नहीं है, तो इसके अंदर जो डिवाइडिंग फिशर है या डिवाइडिंग प्लेन है वो किसी भी एंगल से हो सकता है, वो आगे से पीछे की तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे से हो सकता है, कि नहीं। बेसिकली इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इक्वल दो पार्ट्स में, उसके बाद साइटोप्लाज्म इक्वल दो पार्ट्स में हो गया, और इस तरह से दो डॉटर अमीबा बन गए हैं। यदि ये न्यूक्लियाई सपोज करो कि यहां पर ऐसे बन रहा है, अब ये न्यूक्लियाई यदि इस तरह से ये दो न्यूक्लियाई बना रहा है, इस तरह से दो न्यूक्लियाई बना रहा है, तो जो ट्रांसफर पहले इस तरह से आ रहा था वो इस तरह से हो सकता है, ट्रांसफर प्लेन्स बेसिकली, ये प्लेन डिवाइडिंग प्लेन, तो डिवाइडिंग प्लेन इस तरफ से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, इसलिए इसको इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहता है। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन ऑलवेज उसके ट्रांसफरली डिवाइड करता है, ट्रांसफरली डिवाइड, और उनसे दो न्यूक्लियाई बन गए, तो न्यूक्लियाई अलग अलग सेल्स में चलेगी, तो ये डॉटर बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग्स बन गई। पैरामीशियम के अंदर हो रहा है, इसका शेप है वो चप्पल जैसा होता है, स्लीपर जैसा होता है, इसलिए स्लीपर एनिमल्स भी इसको कहते हैं। इसके अंदर होता है एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होने के बाद में बीच में एक ट्रांसफरली फिशर, डिवाइडिंग फिशर चलती है, और दो इक्वल शेप और साइज के पैरामीशियम यहां पर एज अ डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल जो रहा वो यूग्लिना में उगला है, यूग्लिना में इसका जो माउथ वाला पोर्शन होता है जहां पर इसका फ्लैजिला होता है, वहां से एक फिशर ऑन होती है, इस तरह से वो फिशर ऑन होने पर इससे पहले है न्यूक्लियस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये फिशर और ज्यादा गहरी, और ज्यादा गहरी होते हुए इक्वल दो पार्ट्स के अंदर इस यूग्लिना को डिवाइड कर देते। यस, फ्यूजन का सेकंड टाइप मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर पैरासाइटिक कंडीशन एक्टिविटीज शो करने वाले लिविंग बॉडीज में आते हैं, जैसे एंट अमीबा स्टोलाइटिका। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन विच अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन जनरेट सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेवरल डॉटर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स,
द एग्जाम्पल इज एंटामोया एस्टेलेटिका. एंटामोया एस्टेलेटिका जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है अपने चार तरफ सिस्ट बना लेती है. सिस्ट के अंदर इसके न्यूक्लियस है वो बिना किसी टेकिंग रेस्ट के डिवाइड होते जाते हैं और सुटेबल कंडीशन आते हैं ये सारे सारे न्यूक्लियस फ्री होकर डॉटर एंटामोया एस्टेलेटिका बनाते हैं. यहां पर एक चीज अपन देख ले प्लाज्मोटोमी क्या है. प्लाज्मोटोमी क्या है, इसके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड लिविंग बॉडी इंडिविजुअल जनरेट करता है सेवरल और मेनी मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल अपने आप के अंदर एक ऑफिस प्लेस हो गया सेम डॉटर इंग्लिश इंडिटीज डॉटर इंडिटीज. आगे बढ़ने से पहले अपन कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं पहले अपन ये क्लियर कर ले. फ्यूजन हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बड़ी फ्रेगमेंटेशन लेंगे, इसके बाद रीजनरेशन लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेंगे. इस तरह से हमें डिफरेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बडिंग. बडिंग होता है इसके अंदर और आपने 11th क्लास में पढ़ा है हाइड्रा में भी होता है, ठीक है. बडिंग एक सिंगल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो जाता है, एक आउटग्रोथ जनरेट होती है बाहर की तरफ और ये आउटग्रोथ स्टार्टिंग के अंदर फ्लैट होती है फिर धीरे धीरे राउंड होते हुए एक फॉर्म में आ जाती है. इक्वल दो न्यूक्लियस के तो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद में साइटोप्लाज्मा इन इक्वली डिवाइड होता है. देखिए आप न्यूक्लियस इक्वली डिवाइडेड हुआ है, साइटोप्लाज्मा अनइक्वली डिवाइड हुआ है. जो आउटग्रोथ जनरेट हुई है वो बड कहलाती है और इस तरह से एक बड की लंबी चेन हो सकती है. दिस इज द चेन ऑफ बड चेन. बड चेन इस कंडीशन में जब ये बड फ्री हो जाती है तो हर कोई एक बड ग्रो करने के बाद में फ्री बड अपने आप में ग्रो करने के बाद में एक स्पोर की तरह बिहेव करती है और ग्रो करने के बाद में न्यू इंडिविजुअल बना लेती है. एक नया इंडिविजुअल बन जाता है इंडिविजुअल. फ्रैगमेंटेशन राइट. द फ्रैगमेंटेशन द प्रोसेस इन विच पेरेंटल फिलामेंटस एल्गी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स. इससे नाम से पता चल रहा है फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट मींस पार्ट्स टुकड़े. एक्सीडेंटली होने वाला ये प्रोसेस है जो फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोवेरा में होता है जिसके अंदर जितने टुकड़े बन जाते हैं हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोवेरा यानी डॉटर स्पाइरोवेरा जनरेट कर देता है. यहां पर इसके अंदर है वो एक स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है. न्यूक्लियस है वो सब जगह मौजूद है. न्यूक्लियस मौजूद होने की वजह से इस तरह से यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है रीजनरेशन. हाई टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ऐसा हो रहा है बेसिकली जिसके अंदर ये एक तरह की एबिलिटी है. एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू जनरेट लॉस और डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. ये लॉस और डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, पार्ट्स हो सकता है या फिर पूरी बॉडी हो सकती है. यदि हम बात करें यहां से हाइड्रा से लेकर के स्पंज से लेकर के स्पंज हाइड्रा डिफरेंट नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स से लेते हुए हम हायर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो इन सब के अंदर रीजनरेशन होता है. बट जो जितना लेवल में लोअर या सिंपल टाइप का होगा उसमें रीजनरेशन उतना ही ज्यादा लेवल पे अपनी पूरी बॉडी लेवल पे होगा, ठीक है. यस. फिफ्थ एसेक्सुअल टाइप है प्रोसेस का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन. यदि जनरली अपन मोटा एक बड़ा सा अपन नॉलेज लें यहां पर तो ये जू स्पोर यानी मोटाइल टाइप के स्पोर्स, कॉनिडियम नॉन मोटाइल टाइप्स के स्पोर्स और स्पॉन्जेस में होने वाले स्पॉन्जियो स्पोर्स स्पॉन्जेस इसके अंदर होता है. जू स्पोर के थ्रू होने वाला ये प्रोसेस क्लेमाइडोमोनास में होता है. अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर मोटाइल टाइप के स्पोर्स बनाए जाते हैं और वो मोटाइल टाइप के स्पोर्स सेवरल फेवरेबल कंडीशंस के अंदर है ये मोटाइल स्पोर्स है वो जर्मिनेट होकर के नया क्लेमाइडोमोनास
जोटर क्लेमेडोमोनास कॉलोनी बना, ठीक है। हम बात करें कोनिडिया की, कोनिडिया होता है स्पॉन्ज फंगस फंजाइज में, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका पक्सीनिया। पक्सीनिया के अंदर इस तरह की बॉडी होती है, नीचे जहां बेस होता है उसको हम हाइफी कहते हैं, और ऊपर जो फिलामेंट्स होते हैं उसमें चेन ऑफ कोनिडिया होते हैं। ये कोनिडिया है, हर एक कोनिडिया के अंदर है वो न्यूक्लियस होता है। जब यही सब फ्री होते हैं तो उनको हम कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं, कोनिडियोस्पोर्स। ये कोनिडियोस्पोर्स एक तरीका है जिसके थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस में इस लिविंग बॉडी को बचा के रखा जाए। सुटेबल कंडीशन में कोनिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के न्यू पक्सीनिया बॉडी यानी नया फंगस बॉडी का जनरेट करता है। स्पॉन्जेस के अंदर क्या है, स्पॉन्जेस के अंदर भी जब एडवर्स कंडीशंस होती है तब स्पॉन्ज कुछ स्पोर्स बनाता है, वो एडवर्स कंडीशंस के खत्म हो जाने पर हर कोई स्पोर्स, हर एक स्पोर्स है वो स्पॉन्जेस नई बॉडी, नया इंडिविजुअल बॉडी इसको जनरेट करने करता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हाई टाइप के प्लांट्स में होता है। हाई टाइप के प्लांट्स कौन से होते हैं, देखिए लोअर टाइप के प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं आपके ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स, बट हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आ जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। सो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो हायर प्लांट्स के अंदर लगने वाला एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स क्या हो सकता है, या उसकी स्टेम हो सकता है, उसका रूट हो सकता है, उसकी लीव्स हो सकती है, या फिर उसकी वेजिटेटिव पॉड्स हो सकती है। ये अपने आप हो रहा है तो उसे नेचुरल कहेंगे, बट यदि कमर्शियल यूजफुल प्लांट्स जनरेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। बेसिकली नेचुरल जो टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके अंदर स्टेम रूट लीव्स इनके अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं। मैं बात करूं ट्यूबर पोटेटो में, रनर ग्रासेस में, रंजर में, बल्ब अनियन में, ऑफसेट ऑफसेट होता है आइकोनिया में। तो ये डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर नेचुरली अपने आप एक स्टैमिना जनरेट हो जाता है। जैसे ही प्लांट यदि एडवर्स कंडीशन में होगा उस कंडीशन के अंदर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके ये प्रीवियस प्लांट्स या उनके पेरेंटल प्लांट्स हैं वो न्यू ऑफर्स न्यू इंडिविजुअल्स बना देते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की बात करें तो जो हमारे लिए बहुत ही कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल प्लांट्स हैं, बहुत ही यूजफुल प्लांट्स हैं, उन यूजफुल प्लांट्स को हम स्टेम रूट और लीव्स को आर्टिफिशियली मेडिकल और हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हुए लेबोरेटरी या लेबोरेटरी के बाहर ऐसा जनरेट करते हुए कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई एस्पेक्ट पूरा करने के लिए कर सकते हैं। हम डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट के अंदर फंगस फ्री, वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री प्लांट्स हम बना सकते हैं। न्यूमरस प्लांट्स हम जनरेट कर सकते हैं बेसिकली आर्टिफिशियली, यदि न्यूट्रिशन मीडियम की बात करें, टिश्यू कल्चर की बात करें, अपन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, उस तरह से जनरेट कर सकते हैं, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली स्टेम रूट लीव्स और वेजिटेटिव बड्स को यूज करते हुए हम आर्टिफिशियल कंडीशन में किसी भी प्लांट्स को उसके इन पार्ट्स को अलाउ करते हैं सॉइल में फिक्स करने के लिए, और फिक्स करने के बाद उसको अलाउ करते हैं कि वो ग्रो हो जाए और इस कंडीशन के अंदर इस सुटेबिलिटी संटेसिस क्रिएट करने के लिए हम उसको प्लांट को पानी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स की बात करें अपन तो तीन टाइप का होता है, कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग्स के अंदर रूट का कट पोर्शन, स्टेम का कट पोर्शन और लीव्स का कट पोर्शन यदि हम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये पोर्शन कहलाते हैं प्रोपेगुली। यदि हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां करें कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ 100% कंडीशंस के अंदर, 100% तो नहीं कह सकते, 90% कंडीशंस में स्टेम को प्रॉपरली यूज किया जाता है कटिंग्स के अंदर। इस कटिंग पोर्शंस को जमीन में सॉइल में फिक्स कर देते हैं ग्रो करने के लिए, और वाटरिंग और न्यूट्रिशन देकर के उसको हम नया प्लांट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का प्रोसीजर ऑरेंज में किया जाता है। लेयरिंग में क्या होता है, एक अच्छा खासा प्लांट जिसकी
जो स्टैम है यदि जमीन के अंदर डंपोज कर दी जाए, जमीन के अंदर उसको फिक्स कर दी जाए, कवर कर दी जाए, तो कवर करने के बाद यदि वो फिर भी जनरेट होता रहे तो इस पोर्शन के अंदर हम लहरी पोर्शन कहते हैं। तो यहां पर प्लांट बॉडी कवर कवर्ड बाय सम मटेरियल्स। ये मटेरियल क्या हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है या फिर एक क्रासिस टाइप का गॉस पट्टी के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। देन अप्लाई H2O मिनरल्स टू जनरेट न्यू प्लांट। नया प्लांट जनरेट होने के लिए हम उस प्लांट पोर्शन को कवर्ड कर देते हैं, कवर करने के बाद उसको हम मिनरल्स और वाटर दे करके उसको ग्रो करने के लिए सुटेबल कंडीशंस देते हैं, जिससे इस पोर्शन के अंदर रूट और शूट दोनों जनरेट हो जाए। ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, शूटेड प्लांट और रूटेड प्लांट दोनों एक ही तरह के प्लांट्स है, बट दोनों की स्पीसीज अलग अलग टाइप की। सुपीरियर प्लांट्स हम कह सकते हैं इसको। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरह की टेक्निक्स है जिसके अंदर हम दो अलग अलग प्लांट्स को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, यूजुअली रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को, जिससे दोनों मिलकर के एक यूनाइटेड फॉर्म के अंदर, एक यूनिट फॉर्म के अंदर वो एक ही प्लांट की फॉर्म में जनरेट हो जाए, कॉम्पोजिट प्लांट की फॉर्म में जनरेट हो जाए। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बेसिकली यहां पर ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ग्राफ्टिंग, एग्जाम्पल है मैंगो। इसमें क्या किया जा रहा है, सुपीरियर प्लांट्स जिसे हम शूटेड प्लांट कहते हैं, शूट प्लांट पोर्शन, इसको सी ऑन कहेंगे, और जो रूटेड प्लांट होता है जो जमीन में लगा रहता है, लाइव प्लांट होता है, रूटेड प्लांट प्लांट पार्ट, इसको कहते हैं स्टॉक। इन दोनों को इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर देते हैं कि ये दोनों एक यूनाइट फॉर्म के अंदर, एक ही प्लांट के फॉर्म में जनरेट हो जाए। इस तरह से ये सुपीरियर प्लांट और ये प्लांट दोनों मिलकर के एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के सुपीरियर हो जाते हैं। तो इस तरह से दिस इज अ टेक्निक टू ज्वाइनिंग टू प्लांट्स, टू सुपीरियर प्लांट्स टूगेदर, यूजुअली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, टूगेदर सच दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप्ड एज कंपोजिट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट की सुपीरियरिटी को हम एक ही प्लांट्स पे ले सकते हैं। तो एक तरह की टेक्निक जिसके अंदर दो सुपीरियर प्लांट्स के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को जोड़ करके हम इस तरह से यूनाइट करते हैं कि वो एक कंपोजिट प्लांट की तरह बिहेव करता है। इसमें एग्जांपल आ गया आपका मैंगो। इस तरह से अपन दो वीडियो पढ़े हैं, दो वीडियो किए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने लाइफ स्पैन पढ़ा, अब आज जो हमने वीडियो किया उसमें रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल्स लेने के बाद में एसेक्सुअल टाइप्स के टाइप पढ़े अपन ने, फीजन जिसके अंदर अपन ने पढ़े बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, उसके बाद अपन ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रिजनरेशन, उसके बाद अपन ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये डिफरेंट टाइप्स हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।